स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आईजी ने किया कुंभ मेले का निरीक्षण, देखी तैयारी। धर्मनगरी वृंदावन में फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देशों को देखते हुए जहां तैयारियां तेजी से चल रही हैं, वहीं अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का दौर भी लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में सोमवार को आईजी आगरा सतीश गणेश वृंदावन आए, जहां उन्होंने कुंभ मेले के क्षेत्र में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी ने बताया कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा, इसके लिए व्यापक योजना बना ली गई है। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि जैसा प्रस्तावित है 16 फरवरी से लेके 28 मार्च के मध्य संत समागम यहाँ पे होने जा रहा है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और व्यापक स्तर पे तैयारियाँ जो है हम लोगों ने प्रारंभ करी हैं, क्योंकि किसी भी सफल आयोजन के लिए सुरक्षा, सुगमता और स्वच्छता, ये तीन हमारे मतलब मूलभूत गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे जिसके आधार पर हम अपनी पूरी जो योजना है उसको बना रहे हैं। तो सुरक्षा का दायित्व जो है यहाँ के अधिकारियों के कंधों पर रहेगा, तो इन्होंने काफ़ी व्यापक स्तर पर उसकी योजना बना ली। मौके पे स्थलीय निरीक्षण करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर उसमें कोई संशोधन करना हो तो संशोधन को हम समय से करना चाहेंगे तो संभव है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी ये भव्य यहाँ पे आयोजन होने जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी पुलिस विभाग को जो तैयारियाँ करनी हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुँच गई हैं। अब इसको ज़मीन पर उतारना है और मुझे पूरी आशा है कि हम लोग अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि जो ये कार्यक्रम यहाँ पे होगा आयोजित वो ऐतिहासिक होगा। जो भी श्रद्धालु आएंगे देश के कोने कोने से और जितने भी हमारे संत और महात्मा आएंगे उनको एक सुखद अनुभव मथुरा की पावन भूमि पे ज़रूर मिलेगा, ये हम लोगों का प्रयास है।